उर्वशी, आप बहुत ही खूबसूरत आप हैं और आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। क्या आपके कोई कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आपको किसी ने प्रपोज किया हो और दैट हैज़ रियली बीन ऑकवर्ड इन अ वे फॉर यू एंड हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट? Yes, I have dealt with so many proposals, but आपको तो पता ही, जिसके बारे में आपने नाम लिया है वो वाला proposal, it was बहुत ही ज़्यादा cultural difference हो जाता और फैमिली का भी सोचना पड़ता है। आई थिंक लड़कियों की लाइफ में आसान कुछ अगर आप बताना चाहें, मैं खुद कैसे बोलूँ। It was an Egyptian singer, I believe. You met in Dubai. Yes, but that person already has 2 wives and 4 children. देखो, इंसान जो है कितना भी अच्छा हो, नेचर वाइज हर चीज़ अच्छी हो, बट द थिंग इज़ कि इन दी एंड, जो एक इंडियन गर्ल की मैं बात कर रही हूँ, बाहर की लड़कियों का मुझे नहीं पता। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो अचानक से कुछ भी कर देती हैं। आई मीन समटाइम्स आई फील कि ये ऐसे कैसे कर देती हैं, बट आई हैव अ फैमिली टू आंसर और मैं ऐसा नहीं डिसीजन लेना चाहती कि मैं इतनी दूर चली गई हूँ फिर वो यहाँ पे ऐसे एक आई थिंक एक फैमिली का इकट्ठे रहना वो एक अलग ही एक एक इन्जॉयमेंट है। और जब फैमिली इकट्ठी होती है तो आई लव दैट फीलिंग कि जब सबके सब लोग इकट्ठे हैं, फैमिली के सब मेंबर्स। आई डोंट लाइक दिस ब्रोकन फैमिली थिंग, क्योंकि मेरी तो पूरी फैमिली में अभी तक किसी के एक इंसान का डिवोर्स नहीं हुआ है। जहाँ से मैं आती हूँ उत्तराखंड से, हमारी पूरी जो फैमिली है एक भी इंसान का डिवोर्स नहीं हुआ, तो मुझे पता ही नहीं डिवोर्स का मतलब क्या होता है। क्या बात है। तो और यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन आई एम इन मुंबई, जहाँ पे आए दिन डिवोर्सेस होते रहते हैं, तो तब आई फील कि लाइक शायद इफ़ आई एम लकी तो मुझे भी I'll find my husband will be someone who is like my father or something. Otherwise I don't know.